दोस्तों, एशिया कप 2022 का सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खत्म हो चुका है और इस मैच के खत्म होने के बाद एशिया कप 2022 का नया पॉइंट टेबल सामने आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एशिया कप 2022 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर से सुपर फोर में क्वालिफाई करने के लिए सभी टीमों को कम से कम कितना मैच जीतना पड़ेगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जोड़ देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोड़ करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप एशिया कप का पॉइंट टेबल सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप एशिया कप के मैचों का 100% एक्यूरेट मैच टॉस प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कांटेक्ट करें, उनका सभी डिटेल्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एशिया कप 2022 का बिल्कुल नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एशिया कप का पहला मैच अफगानिस्तान श्रीलंका के बीच खेला गया था और इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को बुरी तरीके से हरा दिया और इसके बाद ग्रुप बी का पॉइंट टेबल सामने आ चुका है, जहां पर ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है श्रीलंका की टीम और श्रीलंका एक में से एक मैच हार करके 0 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। और श्रीलंका की टीम का नेट रन रेट -5.176 है और यहां पर से श्रीलंका की टीम को सुपर फोर में क्वालिफाई करने के लिए किसी भी हाल में अपना अंतिम मैच जीतना पड़ेगा, तभी श्रीलंका की टीम सुपर फोर में क्वालिफाई कर पाएगी। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है बांग्लादेश की टीम, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने एशिया कप में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, तो इस वजह से बांग्लादेश पॉइंट टेबल में 0 अंकों के साथ करेंटली पॉइंट टेबल में सेकंड पोजीशन पर मौजूद है। और इसके बाद ग्रुप बी के पॉइंट टेबल टॉपर टीम के बारे में बात करें तो यहां पर है अफगानिस्तान की टीम, जहां पर अफगानिस्तान ने अपने पहले ही मैच में श्रीलंका को बहुत ही बड़े अंतर से हरा दिया, तो इस वजह से अफगानिस्तान की टीम पॉइंट टेबल में टोटल एक में से एक मैच जीत करके 2 अंकों के साथ टॉप पर है और अफगानिस्तान का नेट रन रेट +5.176 है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है। तो यहां पर अगर अफगानिस्तान अपना अंतिम मैच भी हारती है, फिर भी अफगानिस्तान के पास चांस होगा कि अफगानिस्तान की टीम सुपर फोर में क्वालिफाई कर जाए। तो आपके हिसाब से ग्रुप बी में कौन कौन सी दो टीमें सुपर फोर के लिए क्वालिफाई करेगी, दोनों टीमों का नाम कमेंट बॉक्स में जोड़ बताएं। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यानी कि ग्रुप ए के पॉइंट टेबल के बारे में। तो ग्रुप ए में आज का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था और इस मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया और इसके बाद पॉइंट टेबल पूरी तरीके से सामने आ चुका है। जहां पर ग्रुप ए के पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर लुढ़क कर आ चुकी है पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान ने एशिया कप में अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है, जिसमें पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल एक में से एक मैच हार करके 0 अंकों के साथ पाकिस्तान पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और पाकिस्तान का नेट रन रेट माइनस में चल रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी क्योंकि पाकिस्तान अपना अंतिम मैच हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। तो इस वजह से 100% चांस है कि पाकिस्तान हांगकांग को हरा करके सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और इसके बाद ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर आ चुकी है हांगकांग की टीम और हांगकांग की टीम ने एक भी मैच नहीं खेला है, तो इस वजह से 0 अंकों के साथ हांगकांग ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में करेंटली सेकेंड पोजीशन पर है और हांगकांग की टीम ग्रुप ए में एक बार इंडिया और एक बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। तो अब बात करते हैं ग्रुप ए के पॉइंट टेबल टॉपर टीम के बारे में। तो यहां पर अब आ चुकी है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि भारतीय टीम और 7 बार की चैंपियन टीम इंडिया ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को हरा करके पॉइंट टेबल में टॉप पर स्थान बना लिया है, जहां पर भारत की टीम ने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो इस वजह से टोटल एक में से एक मैच जीत करके 2 अंकों के साथ भारतीय टीम पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है और अब यहां से 110% कंफर्म हो चुका है कि टीम इंडिया सुपर फोर में क्वालिफाई
करेगी क्योंकि भारत अपना अंतिम मैच 31 तारीख को हांगकांग के खिलाफ खेलेगी, तो वहां पर तो टीम इंडिया इजीली हांगकांग को हराएगी, तो इस वजह से 110% चांस है कि टीम इंडिया पॉइंट टेबल के टॉप पर रहेगी और इसके साथ ही टीम इंडिया सुपर फोर में आसानी से क्वालिफाई करेगी। तो आपके हिसाब से एशिया कप 2022 में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, उस टीम का नाम कमेंट में जोड़ बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।